हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायवा, आपको एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको लोक प्रबंधन के आयाम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसको हम ट्रिपल पी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और हिंदी में कहा जाता है सरकारी निजी भागीदारी या सरकारी निजी साझेदारी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का? तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार और निजी कंपनियां जब साथ मिलकर कार्य करती है और परियोजनाओं को पूरी करती है, तो उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब ये कि आज हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ, मतलब निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करती है और अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है, तो उसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं। इसके बाद फिर संकल्पना, जिसमें सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी क्षेत्र के साथ साथ इसमें निजी क्षेत्र की भूमिकाएं भी होती है। फिर इसके बाद में जो सार्वजनिक निजी साझेदारी या सार्वजनिक निजी भागीदारी को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसको ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या थ्री पी या पी थ्री आदि नामों से भी इसको जाना जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच यह एक सहकारी व्यवस्था है जो आम तौर पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति की होती है। इसमें आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखते हैं कुछ सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने के लिए हमारी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुल बनाना है, ठीक है, कोई पुल बनाने का काम है, तो उसमें भी हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो इसको कहा जाता है सार्वजनिक निजी भागीदारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कि पीपी मॉडल, तो जहां पर भी मैं ट्रिपल पी या पीपी मॉडल बोलूं, तो आप समझ जाना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हम कर रहे हैं। तो यहां पर ट्रिपल पी या पीपीपी मॉडल, ठीक है, तो लाने का इसका उद्देश्य यह है कि किसी परियोजना को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि सारे कार्य सरकार नहीं कर सकती, और अगर सरकार पूरे कार्य करेगी तो ढंग से, मतलब पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। तो जो पश्चिमी देश है, अर्थात अमेरिका होता है, ब्रिटेन होता है, तो इन पश्चिमी देशों में हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कौन करता है, तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करता है। तो उसी के तर्ज पर हमारे भारत में भी भारत सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अब निजी क्षेत्र से कार्य करवाया जा रहा है। तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही साथ मिलकर इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर तो इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज द्वारा निजी कंपनियों को किसी परियोजना में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो जो सरकारी कंपनी होगी वह प्राइवेट कंपनी को भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करती है, ताकि उस परियोजना में लगने वाली पूंजी के लिए सरकार को ज़्यादा मशक्कत न करनी पड़े, और परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन निजी क्षेत्र का अनुभव भी इसमें काम आ सके। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला इसका उद्देश्य यह होता है कि सरकार के पास राजस्व एवं संसाधनों की कमी के कारण उसे अन्य सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में सरकार द्वारा निजी साझेदारी आमंत्रित की जाती है। हम देखते हैं कि कई बार सरकार के पास राजस्व की कमी होती है, वित्त की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, जिसके चलते सरकार पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। तो ऐसे स्थिति में जो अन्य सहयोगी होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में सरकार निजी क्षेत्र को आमंत्रित करती है कि आप ये काम कीजिए। फिर इसके बाद में इससे न सिर्फ समय पर
काम पूरा होता है बल्कि गुणवत्ता में भी इससे बढ़ोतरी होती है। तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर काम करेगा तो वह गुणवत्तापूर्ण कार्य करता है, ठीक है, और सरकार पर वित्त का दबाव भी नहीं पड़ता। इसके बाद फिर आगे देखिए तो वर्तमान में जैसे रेलवे, हवाई अड्डों, हाईवे, बांध बनाने आदि क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जा रहा है और अब सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो रेलवे के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भोपाल, तो भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है हाईवे से हबीबगंज, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उसे डेवलप किया गया है अब, ठीक है। तो ऐसे और भी अपन देखते हैं हवाई अड्डे, तो हवाई अड्डे भी धीरे धीरे अब हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है, तो इसको कहा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विशेषताएं। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए इसमें तो पहली विशेषता इसकी यह होती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कम से कम समय में उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को बचाने में मदद करती है, ये इसकी पहली विशेषता होती है। इसके बाद फिर दूसरी विशेषता इसकी यह होती है कि प्रदर्शन में सुधार होता है और बचत प्रदान करने के लिए जो नवीन क्षमताएं होती हैं और कौशल का उपयोग कर पूंजी की बेहतर उत्पादकता प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम प्राइवेट सेक्टर को भागीदार बनाते हैं या सरकार शामिल करती है इनको अपने कार्यों में, तो इससे क्या होगा, तो इससे प्रदर्शन में सुधार आता है, इसके बाद फिर बचत को बढ़ावा मिलता है, फिर इसमें नवीन क्षमताओं का उपयोग किया जाता है, इसके बाद में कौशल का उपयोग किया जाता है जिसके कारण पूंजी की बेहतर उत्पादकता हो सके, ठीक है। फिर इसके बाद में अगली विशेषता इसकी यह है निजी क्षेत्र के कौशल का अधिकतम उपयोग करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। तो प्राइवेट सेक्टर में अपन देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य करता है, तो उसकी गुणवत्ता को उपयोग करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस मॉडल को डिजाइन किया गया है। फिर इसके बाद में इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और भागीदारों के बीच जोखिम और पुरस्कार साझा करना होता है और स्थानांतरित करना भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इस तरह की भागीदारी संरचना वित्त के लिए बहुक्षेत्रीय और बहु अनुशासनात्मक विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रयास करती है और वांछित नीति परिणाम प्रदान करती है जो सार्वजनिक हित में हो। तो ये इसकी विशेषताएं हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विशेषताएं बताइए, तो ये विशेषताएं आपको लिखनी होगी। इसके बाद में फिर देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है इसके लाभ क्या है, ठीक है। तो इसके कुछ लाभ हैं, जो पहला होता है देखिए कि सरकार पर कार्य का बोझ कम होता है। तो आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है तो इससे धीरे धीरे काम का बोझ कम होता जा रहा है। कैसे, तो जैसे हम देखते हैं कि आज वर्तमान में सरकारी स्कूलों से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, जबकि पहले क्या होता था, तो पहले सारे स्कूल सरकारी होते थे। जब हमारे भारत में LPG नहीं आया था तो LPG के पहले हमारे भारत में ज़्यादातर स्कूल सब सरकारी होते थे। अब सारा काम सरकार को करना है स्कूल से संबंधित। फिर इसके बाद में ऐसे ही जो कॉलेज होते थे तो कॉलेज भी मैक्सिमम सब सरकारी होते थे। फिर इसके बाद में यूनिवर्सिटी होती थी, ये भी मैक्सिमम सरकारी होती थी, ठीक है। तो सरकार पर कार्य का बोझ बढ़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आज वर्तमान में ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं और ज़्यादा अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चुकी है, तो सरकार का बोझ हल्का होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, ठीक है। अब जो काम पहले सरकार करती थी अब वह काम प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। फिर इसके बाद में सरकार कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अब अधिक ध्यान देने में सक्षम होती है। तो जब सरकार का ये काम का बोझ कम होगा, शिक्षा के क्षेत्र का काम का बोझ कम होगा, रेलवे का बोझ कम होगा, हवाई अड्डों का बोझ कम होगा, पुल बनाने का बोझ कम होगा, इसके बाद सड़क बनाने का बोझ कम होगा, तो इससे फिर क्या होगा, तो सरकार का जब ये बोझ कम हुआ है तो फिर सरकार ठीक ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अधिक सक्षम होती है। इसके बाद फिर
अगला आ जाता है कि यह शासन तंत्र से परंपरागत कार्य संस्कृति के स्थान पर जो नई तकनीक होती है या नई टेक्नोलॉजी होती है तो नई टेक्नोलॉजी से युक्त कार्य संस्कृति स्थापित करती है। मतलब अब जो कार्य किया जाएगा प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में अब नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य किया जाएगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि लोक संगठन को आवश्यक संसाधन व तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धि सुनिश्चित होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सरकारी संगठन होता है तो सरकारी संगठन में आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। फिर इसके बाद में इससे तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है। मतलब इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट धीरे धीरे कार्य करने लगते हैं और जब टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ हमारे सरकारी संगठन के अधिकारी या कर्मचारी भी कार्य करते हैं तो इनको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि इस मॉडल को अपनाने से गैर निष्पादनी पूंजी की समस्या से मुक्ति मिलती है। मतलब सरकार को जैसे काम करती है जिससे सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे पूंजी की समस्या से सरकार को मुक्ति मिलेगी। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जनता को उच्च स्तरीय उत्पाद और सेवाएं प्राप्त होती है। तो जब सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो इससे क्या होगा, जनता को उच्च स्तरीय उत्पाद मिलेगा, मतलब जो वस्तुएं होती है वो प्राप्त होगी। फिर इसके बाद में उच्च स्तर की सेवाएं प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि सारे काम सरकार नहीं कर सकती और जब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा तो पब्लिक को मतलब जनता को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं प्राप्त होगी, अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त होगी। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि निर्माण परियोजनाओं का शीघ्रता कुशलता और गुणवत्ता के साथ संचालन करने में मदद मिलती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ये इसके लाभ हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला इसमें लाभ आता है कि परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन की उत्पादकता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला इसमें आता है लाभ कि PPP मतलब ट्रिपल पी मॉडल के तहत किए गए काम की गुणवत्ता सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है। तो आपने देखा होगा कई बार कि जब प्राइवेट सेक्टर सड़क का निर्माण करता है तो उसमें गुणवत्ता होती है, वही अगर सरकार के द्वारा किसी भी हाईवे का या किसी सड़क का निर्माण किया जाएगा तो उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसमें जो अधिकारी होते हैं वे लोग इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है, जिससे सरकार को हानि होती है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर अगर काम करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिसके कारण कार्यों में गुणवत्ता आती है। फिर इसके बाद में साथ ही ठीक है, तो साथ ही काम अपने निर्धारित योजना के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए हम बैंकों को भी देख सकते हैं, जैसे बैंक में बहुत सारे प्राइवेट हो गए हैं, ठीक है। अब जो प्राइवेट बैंक हैं तो प्राइवेट बैंक के द्वारा जो कार्य किया जाता है और सरकारी बैंकों में जो कार्य किया जाता है, मतलब दोनों की सुविधाओं में अब अंतर आपको दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है कि जो सरकारी बैंक हैं वे भी अब प्राइवेट बैंक की तरह सुविधाएं देना शुरू कर चुकी हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि ट्रिपल बी मॉडल के तहत होने वाले जोखिम को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में विभाजित किया जाता है। तो जब हमारी सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो अब इसमें जो भी नुकसान होगा, ठीक है, तो इसमें फिर दोनों को उसका भागीदार होना पड़ेगा, मतलब दोनों को बांटा जाएगा, ठीक है। जो भी जोखिम उठाना पड़े तो दोनों को बराबर इसमें जोखिम विभाजित किया जाता है, या जो भी नुकसान हुआ है उसको बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, दोनों सेक्टर को, प्राइवेट और गवर्नमेंट को। फिर इसके बाद में अगला यह है कि मॉडल ये ट्रिपल पी मॉडल अपनाने से परियोजनाएं सही लागत पर और उचित समय से पूरी हो जाती है तथा सरकार को उधारी से मुक्ति मिलती है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए सरकार को कोई परियोजना संचालित करना है, अब परियोजना अगर संचालित करेगी सरकार तो मान लीजिए सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, कहीं से भी उधार लेना पड़ेगा। तो अब सरकार को इस उधारी से मुक्ति मिलती है इससे। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि ट्रिपल पी से, मतलब जो ट्रिपल पी मॉडल है इससे काम समय से पूरा होता है, और जब काम समय से पूरा होगा तो जो निर्धारित परियोजनाएं हैं तो उन परियोजनाओं से आय भी शीघ्रता से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि ट्रिपल पी मॉडल परियोजना, तो ट्रिपल पी परियोजना के विभिन्न चरणों में संपत्ति के स्वामित्व
और रख रखाव के लिए कौन भागीदार हैं और कौन जिम्मेदार हैं, यह भी इसमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि जो ट्रिपल पी मॉडल होता है इसके लाभ बताइए, तो ये सारे लाभ आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ट्रिपल पी मॉडल। तो ट्रिपल पी मॉडल, इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो देखिए इसके कुछ उदाहरण है ट्रिपल पी मॉडल के। तो पहला देखिए इसमें विल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BOT कहा जाता है, जिसको हम बनाओ चलाओ और वापस करो कहते हैं, विल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, तो इसके तहत सरकार के द्वारा निजी कंपनी को एक निश्चित समय सीमा के लिए वित्त निर्माण संचालन का अधिकार सौंपा जाता है, और जब इसकी समय सीमा पूरी हो जाती है तो समस्त अधिकार पुनः सरकार या सार्वजनिक कंपनी के पास आ जाते हैं। तो इसे कहा जाता है विल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। फिर इसके बाद में अगला आता है विल्ड ऑन ऑपरेट। तो विल्ड ऑन ऑपरेट इसमें क्या होता है, तो इसके तहत किसी, तो इसके तहत निजी कंपनी या साझेदार के पास अनुबंधित समय सीमा के दौरान ढांचागत परियोजनाओं के डिजाइन निर्माण एवं परिचालन की समस्त जिम्मेदारियां होती है, और साथ ही निजी कंपनी के द्वारा परियोजना में किए गए निवेश को पुनः प्राप्त करने हेतु एक निश्चित अवधि तक का समय दिया जाता है, और इस अवधि के बाद सरकार पुनः इसे अपने नियंत्रण में ले लेती है, तो इसे कहा जाता है विल्ड ऑन ऑपरेट। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें देखिए विल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BOLT। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या होता है देखिए, तो इसके तहत निजी साझेदार द्वारा एक अनुबंध तक सार्वजनिक संपत्ति का संचालन किया जाता है, लेकिन संपत्ति पर स्वामित्व केवल सार्वजनिक कंपनी का ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, और इससे 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए डिजाइन विल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DVFOT। अब इसमें क्या होता है, तो इसके तहत निजी साझेदार को सार्वजनिक कंपनी के निर्देशों पर कार्य करना होता है, और निजी कंपनी बुनियादी ढांचे का निर्माण करती है, और निश्चित राशि तक सभी जोखिमों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है मॉडल लीज डेवलप ऑपरेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है LDO। इसमें क्या होता है, तो इसके तहत सरकार या प्राइवेट पार्टनर के पास संसाधनों का मालिकाना हक होता है, ठीक है, और प्राइवेट प्रमोटर से लीज के दौरान इसमें पैसा मिलता है, और एयरपोर्ट आदि सब इसी के मॉडल के तहत या इसी मॉडल के तहत कार्य करते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है लीज डेवलप ऑपरेट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि ट्रिपल पी मॉडल लिखिए, तो ट्रिपल पी मॉडल लिखिए अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको जैसे ये सब हेडिंग आपको लिख देनी है 3 के नाम, और अगर 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि ट्रिपल पी मॉडल को समझाइए, तो आपको ये इसमें लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें PPP मॉडल की आवश्यकता क्यों है। तो आज हम देखते हैं कि वर्तमान में PPP मॉडल की आवश्यकता क्यों है, तो ये हम आपको बताएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारत में और किसी भी राज्य में आज हम देख रहे हैं कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर सरकार सारे कार्य करेगी तो पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, और जब प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों ही साथ मिलकर कार्य करेंगे तो विकास तीव्रता से होगा, इसलिए ये ट्रिपल पी मॉडल की आवश्यकता है वर्तमान में। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि सरकार द्वारा PPP मॉडल को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है राजस्व का। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो राजस्व का है, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं है, और जब वित्त उपलब्ध नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो सरकार कैसे काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए एक राजस्व का बड़ा हिस्सा परियोजना में न लगाकर इसके लिए विकल्प तलाशना होता है।
ताकि राजस्व का बड़ा हिस्सा अन्य परियोजनाओं के लिए खर्च किया जा सके। अब जो काम सरकार कर रही थी पहले, अगर वह काम प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है तो सरकार के पास अब जो पैसा बचा है तो उस पैसा का उपयोग दूसरे किसी परियोजना में किया जाएगा, दूसरे किसी कल्याणकारी कार्यों में उन पैसे का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है आवश्यकता का पॉइंट कि सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी इस मॉडल को अपनाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई घोषणा कर दी, उदाहरण के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा कर दी, अब घोषणा करने के बाद हो सकता है कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध न हो, तो ऐसे स्थिति में फिर क्या होता है कि जिस परियोजना या जिस योजना से संबंधित सरकार के द्वारा घोषणा की गई है तो फिर वह कार्य सरकार किसको सौंप देगी, प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है। फिर उस कार्य को पूरा कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सके, ऐसे में सरकार अपनी घोषणाओं या परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनीज के साथ करार कर इन परियोजनाओं को पूरा करती है, जिसमें हाईवे बनाना, मतलब जो नेशनल हाईवे होते हैं इनको बनाने का काम हो, या फिर कोई पुल का निर्माण करना हो, या फिर कोई बांध बनाना हो, तो ऐसे कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है निजी क्षेत्र को अपेक्षाकृत ज्यादा अनुभवी गुणवत्तापूर्ण कार्य एवं सेवा के लिए जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है ये काम अच्छा करते हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं, क्वालिटी से कार्य करते हैं, तो ऐसे में किसी भी परियोजना के बेहतर रूप से पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की आवश्यकता है सरकार के साथ काम करने में। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की आलोचनाएं। ठीक है, तो जिस ट्रिपल पी की हम बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो देखिए इसकी पहली आलोचना क्या है, तो पहली आलोचना यह है कि निजी क्षेत्र के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जो व्यापक परियोजनाएं होती हैं तो इसमें कई बार नौकरशाही समझ नहीं पाती है। ठीक है, मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी परियोजनाओं को शुरू किया जाता है तो जो नौकरशाही, मतलब हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, वे इसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र होता है तो सरकारी क्षेत्र में वाणिज्य सोच का अभाव पाया जाता है। मतलब जो हमारे अधिकारी वर्ग होते हैं तो इनके पास वाणिज्यिक सोच नहीं होती, व्यापारिक सोच नहीं होती, पैसा कमाने की सोच नहीं होती। ठीक है, इनका काम तो क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित जनता को लाभ पहुंचाना होता है। तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर होगा तो प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, लाभ कमाना होता है। तो एकदम से जो अधिकारी वर्ग हैं ये इनकी निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को समझ नहीं पाते, इनकी जो वाणिज्यिक सोच होती है ये नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो जो नौकरशाही होती है, मतलब हमारे अधिकारी वर्ग होते हैं, इनके पास वाणिज्यिक सोच का अभाव होता है। ये आलोचना का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि सरकारी व निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से दोनों की कमियों का परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने से कई बार परियोजनाएं असफल हो जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, अब फिर मान लीजिए कि दोनों में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न हो गई, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट होता है दोनों के बीच में किसी प्रकार से अनबन हो जाती है, या फिर डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर और किसी मुद्दे को लेकर बात नहीं बन पाई, तो फिर क्या होगा, इस स्थिति में जो परियोजना थी वह असफल हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको लग रहा है कि मुझे इसमें लाभ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर उसको मना कर देता है कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं या फिर इस परियोजना से संबंधित कार्य नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि वह परियोजना फेल हो जाती है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। ये भी इसकी आलोचना होती है। फिर इसके बाद में अगला होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से सरकार को राजस्व की हानि होती है। क्यों राजस्व की हानि होती है, क्योंकि जो काम पहले सरकार अकेली कर रही थी और उससे जो सरकार को आय मिलती थी तो पूरी आय सरकार रखती थी, लेकिन अब क्या होगा, अब सरकार और प्राइवेट
सेक्टर दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब जब दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो इसमें सीधी सी बात है कि राजस्व का भी हिस्सा आधा आधा होता है। पैसा भी आधा कौन रखेगा? प्राइवेट सेक्टर। और आधा पैसा कौन रखेगी? सरकार रखेगी। तो इस कारण से सरकार को राजस्व की हानि होती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि कंपनियों या ठेका प्रणाली, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सारे काम अब जैसे अपन देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है अब ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी काम करते जा रहे हैं। तो जो सरकारी विभाग होते हैं सरकारी विभागों में अब काम संविदा पर कराया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कराया जाता है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट बेस को हम ठेका प्रणाली भी कहते हैं। तो कंपनियों या ठेका प्रणाली के द्वारा श्रमिकों से जब कार्य करवाया जाता है तो श्रमिकों को पैसा कम दिया जाता है, मतलब उनको मजदूरी कम दी जाती है, जिसके कारण आर्थिक शोषण को बढ़ावा मिलता है। जबकि सरकार के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो सरकार सैलरी ज़्यादा देती है और काम कम करना पड़ता है। वहीं इसके विपरीत है ये निजी सेक्टर, तो निजी सेक्टर काम ज़्यादा करवाता है और पैसे कम देता है, जिससे क्या होगा तो इसमें जो कार्मिक होंगे इनको आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके आलोचनाएं होती है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो इस मॉडल की आलोचनाएं लिखी है, तो ये आलोचनाएं आपको लिखनी होगी। 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी इसकी आलोचनाएं हैं। तो देखिए इसमें आलोचना का अगला पॉइंट यह है कि यह संभावनाओं पर अधिक निर्भर होती है, ठीक है। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है यह संभावनाओं पर अधिक निर्भर होती है, जिसके कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके बाद फिर अगला है कि किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निजी कंपनी को किसी परियोजना में साझेदार बनाया जाता है, मतलब भागीदार बनाया जाता है, तो कार्य के समय पर पूरे होने, गुणवत्ता को बनाए रखने, सेवा व संचालन का सही ढंग से होने के साथ ही आम जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, ऐसी चुनौतियों को भी सामना करना पड़ सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो वह तो खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करता है, खुद के लाभ के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जब काम करेगा तो प्राइवेट सेक्टर को तो लाभ हो गया, परंतु इससे आम जनता को कभी कभी कोई फायदा नहीं हो पाता, तो यह भी समस्या इसमें बनी रहती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि विपक्ष के विरोध और आम जन को विश्वास में लेने जैसे चुनौतियां भी इसमें बनी रहती है। तो कई बार क्या होता है कि जब सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है, मतलब किसी भी सरकारी क्षेत्र को जब प्राइवेट सेक्टर को सौंपती है, तो जो विपक्ष होगा, तो विपक्ष की जो पार्टियां होगी तो विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं। इसके बाद फिर कई बार क्या होता है कि जनता भी इसका विरोध करती है, जिसके कारण सरकार के द्वारा जनता को विश्वास में लेना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब उदाहरण के लिए जब रेलवे को या रेलवे डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर को कार्य सौंपा जा रहा था तो उस समय भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो ये ऐसे विरोध किया जाता है विपक्षी दल के द्वारा, और कई बार फिर जनता भी इसका विरोध करती है। फिर इस कारण से क्या होता है कि सरकार के द्वारा जनता को विश्वास में लेना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ये सभी थे इसके आलोचना के पॉइंट। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसके आलोचनाएं लिखिए। तो ये 5 नंबर में आपको सारे लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अंत में पीपीपी मॉडल का भविष्य। तो जो ट्रिपल पी मॉडल है इसका भविष्य क्या है, तो देखिए इसमें तो इसका भविष्य का पहला पॉइंट यह है कि इसे संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। तो आज हम देखते हैं कि जो ट्रिपल पी मॉडल है तो ज़्यादा संभावनाएं इसी की बताई जा रही है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कौन करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सब प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, मतलब निजी क्षेत्र ही ज़्यादा कार्य करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में, तो अमेरिका में ज़्यादा कार्य कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा कार्य करता है। फिर सरकार क्या करती है, तो सरकार तो सिर्फ इन पर नियंत्रण का कार्य करती है, हमारा समझ में। तो ऐसे हमारे भारत में भी अब ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सब प्राइवेट सेक्टर को सौंपे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं कि जैसे रेलवे में, तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है अब यह भी धीरे धीरे किसको सौंपा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है। तो इसी आधार पर हमारे भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, भारत का और मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन हबीबगंज जैसे प्राइवेट सेक्टर को सौंपा गया है, ठीक है, जिसको बसंत ग्रुप ने इसको लिया है और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम बंसल ग्रुप उसमें काम कर रहा है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जब बंसल ग्रुप वहां पर कार्य कर रहा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर, तो उसको जो लाभ होगा वह काम करेगा, और अगर उसको उससे प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, मतलब बंसल ग्रुप को सौंप दिया। अब थोड़े दिन पता चला कि उसको लाभ नहीं हुआ तो उसने वहां से उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। तो जिससे क्या होगा, तो इससे हमारी सरकार को भी हानि होगी और जनता को भी बराबर फायदा इसका नहीं मिल पाता है। लेकिन भविष्य में संभावनाएं इसी की है, किसकी, ट्रिपल पी मॉडल की। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम ये गुणवत्तापूर्ण करेंगे, क्वालिटीपूर्ण करेंगे, यह आशा की जा सकती है। इसके बाद फिर विगत 10 वर्षों से सरकार का पीपीपी मॉडल की ओर रुझान बढ़ा है। तो पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो सरकार अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कार्य कर रही है, और इसकी ओर हमारी सरकार का रुझान बढ़ा है। ठीक है, तो आज आप देखते हैं कि मैक्सिमम कार्य सरकार किसको सौंपते जा रही है, सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है। तो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया और समझौता है, जिससे सरकार को परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का मौका मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला है इसमें कि ट्रिपल पी मॉडल के सफल होने की संभावनाएं अधिक होती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि सरकार और हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और इनके सफल होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो भले ही सरकार कितना भी इनको कार्य सौंप दे, लेकिन अंतिम रूप से नियंत्रण सरकार ही करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हो गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी हो गई है, ठीक है, स्कूल बहुत सारे हो गए, लेकिन अंतिम रूप से इन पर नियंत्रण का कार्य कौन करेगी, सरकार करेगी, ताकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, निजी संगठन है, ये जनता का शोषण न करें। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।